वेलकम बैक टू माई चैनल स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर वन को ना लाइव आके कवर किया था बट समहा विद सम रीज़न मैं लाइव नहीं आ सकती बट मैं सारे चैप्टर्स को वन शॉर्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी जब तक आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता है तब तक कंप्लीट कर दूँगी तो आपको एक पूरे चैप्टर का रिविज़न जो है वो मतलब एक ही वीडियो में मिल जाएगा ओके okay, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतने लोगों को शेयर कीजिए तो बेसिकली सेकंड चैप्टर में हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे देन हम प्लानिंग देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग देखेंगे कि किसी भी मैनेजमेंट को फंक्शन करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है प्लानिंग होता है ऑर्गेनाइज करना होता है स्टाफिंग करना होता है डायरेक्ट करना होता है कोऑर्डिनेट करना होता है एंड लास्ट कंट्रोल भी करना पड़ता है तभी एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से मैनेज हो पाता है या फंक्शन हो पाता है तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो जैसे कि आपने देखा होगा कि क्लास इलेवन में हमने कर्ता पढ़ा होगा तो यहाँ पर क्या होता है कि कर्ता जो होता है वो हर दिन एक अच्छी प्रॉपर प्लानिंग करता है है ना हर दिन या हर महीने हर हफ्ते एक अच्छी प्लानिंग के साथ जो है अपने बिजनेस को आगे लेके जाता है जैसे अगर आपके आपको रिमा रिकॉल ना हो तो ज्वाइन इन दू फैमिली का जो मेन ओनर होता है उसे हम करता कहते हैं उसे बिजनेस के लैंग्वेज में करता कहते हैं जब एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ चीज़ें प्लान होगी तभी क्या कर सकता है तभी बिजनेसमैन अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर, कर सकता है कंप्लिश कर सकता है और उसके लिए हर मेंबर्स के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो जो ऑर्गेनाइजेशन वो स्मूद और फंक्शनिंग वे में चल सके है ना ताकि वो बहुत बिना किसी प्रॉब्लम के चल सके और उस दौरान जो करता होता है वो क्या करता है बिज़नेस को डायरेक्ट करता है गाइड करता है कोऑर्डिनेट करता है स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता है ऑन एवरी टास्क कोई भी काम हो बिना उसके परमिशन के चीज़ें आगे नहीं होती है सो करता इज़ डूइंग विद द हेल्प ऑफ अदर कॉल्ड एस मैनेजमेंट तो करता जो करता है वो क्या होता है वो एक तरीके का मैनेजमेंट होता है जिससे उसका बिजनेस हर साल क्या होता है सक्सेस होता होता है उसके साथ साथ एक अच्छी प्रॉफिट उसे बिजनेस में मिलती है ठीक है तो बेसिकली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हमें जो बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना है वो पढ़ना है प्लानिंग के बारे में ऑर्गेनाइजिंग के बारे में स्टाफिंग के बारे में डायरेक्टिंग के बारे में कोऑर्डिनेशन के बारे में और कंट्रोलिंग के बारे में जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो पाता है देखिए क्या होता है कि सपोज मैंने एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया उसके लिए स्टार्ट करने से पहले मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी बहुत सारी प्लानिंग होती है फंड्स कहाँ से आएंगे कैपिटल कितना लगेगा स्टाफिंग uh, कैसे करेंगे या बहुत सारी चीज़ें इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है कहाँ पर ओपन करना है किस तरीके से करना है कौन सा प्रोडक्ट होगा ये सारे जो प्लानिंग होती है हम अर्लियर करके अपने बिजनेस को ओपन करते हैं अब बिजनेस ओपन तो हो गया अब उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा हर एक अच्छे वे में और जो भी हमने प्लान किया है उसको एक प्रॉपर और स्मूथ वे में ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ऑर्गेनाइज करने के बाद अब मेरा सारा सेटअप हो गया लेकिन स्टाफिंग ज़रूरी है वहाँ पर एम्प्लॉयज़ चाहिए जो हर डिपार्टमेंट में अच्छी तरीके से काम करेंगे उसके बाद एक उसके ऊपर का मैनेजर भी चाहिए जो डायरेक्ट करेगा जो स्मॉल एम्प्लॉयज़ होंगे उसके बाद जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा उसका लोअल मिड लेवल मैनेजमेंट के साथ कॉर्डिनेशन भी होना चाहिए एंड लास्ट जो प्लानिंग स्ट्रैटेजी बनाई गई है वो अच्छी तरीके से कंट्रोल होने चाहिए थ्रू आउट द ईयर तो बेसिकली यही पूरी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में चलिए स्टार्ट करते हैं सो व्हाट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू एल एन मैनेजमेंट इज़ अ वॉट मैनेजर डस मैनेजमेंट क्या है जो मैनेजर एक अच्छी तरह एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ करता है दिस डेफिनेशन फोकस ऑन द रोल ऑफ मैनेजर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फंक्शन एंड द फंक्शन ऑफ मैनेजर स्टार्ट विद अ प्लान एंड विद अ कंट्रोलिंग मतलब एक जो मैनेजर होगा या जो बिजनेस एंटरप्रेनर होगा वो एक प्लानिंग के साथ स्टार्ट करता है और लास्ट किस पे करता है कंट्रोल करने के बाद बट एवरी फंक्शन इज इंटरलेटेड विद अदर फंक्शन दे आर इनसेपरेबल इन नेचर एंड मैनेजमेंट फंक्शन कंसर्न विद ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट मैनेजमेंट थिंक हैव क्लासीफाइड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंटली अब जरूरी नहीं है कि एक मैनेजमेंट अलग सोचता है तो सब भी वैसा सोचे हर मैनेज की थ्योरी अलग अलग होती है पर फंक्शन इसी हिसाब से करते हैं हर कि हर फंक्शन हर मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज uh, अलग होती हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल टू मैनेज टू फॉरकास्ट टू प्लान ऑर्गेनाइज टू कमांड एंड कंट्रोल अकॉर्डिंग टू हेनरी फेल वॉट इज इज मैनेज किस दिशा मैनेज फ्यूचर को देखते हुए हम क्या करते हैं प्लान करते हैं उसके बाद ऑर्गेनाइज करते हैं फिर उसको कमांड करने के साथ साथ कंट्रोल भी करते हैं उसे ही फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है नेक्स्ट जो है गुलिक हैज गिवन द कीवर्ड, अब इसके लिए उन्होंने उन्होंने कीवर्ड दिया है जिससे आपको ये चीज़ें याद रहे तो पी स्टैंड फॉर प्लानिंग ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए स्टैंड फॉर स्टाफिंग डी स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग सी स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेशन आर स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग एंड बी स्टैंड फॉर बजटिंग देखो बजटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है हर साल आपकी कंपनी का बजट क्या होता है डिफरेंट हो जाता है क्योंकि ये डिपेंड किस पे करता है प्रॉफिट या लॉस पर सो रिपोर्टिंग एंड बजटिंग फंक्शन आ समर आइज द फंक्शन कॉल्ड एज कंट्रोलिंग इन दोनों को मर्ज करके एक नया पॉइंट क्रिएट किया गया है जिसका नाम है कंट्रोलिंग चलिए वन बाई वन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है प्लानिंग तो प्लानिंग तो है प्लानिंग का मतलब मैं थोड़ा टाइम पहले बताया कि हर चीज़ें हमें प्लान करना पड़ करनी पड़ती है कोई भी एंटरप्रेनर को जब वो बिजनेस को स्टार्ट करने वाला होता है so, सो प्लानिंग क्या है एक बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है एवरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग द थिंग्स इज़ टू बी डन इन एडवांस प्लानिंग इज एन इंफ्रैक्चुर प्रोसेस जिसमें लॉजिकल थिंकिंग की और रैशनल डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत पड़ती है इट फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इसका जो मेन होता है इसका ऑब्जेक्टिव और डेवलपमेंट डेवलपमेंट पे फोकस हो देखो जितनी अच्छी प्लानिंग उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है आपने बहुत सारे अगर आई आईपीएस वाले स्टूडेंट्स को देखा होगा उनकी स्ट्रैटीज इतनी कमाल की होती है इतना अच्छे तरीके से प्लान करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं कंट्रोल करते हैं कि उन्हें एक बेस्ट रिजल्ट मिलता है ई करेक्ट सो डिजाइनिंग अ प्रॉपर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंगली इज द की ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गनाइजेशन अभी मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले एक आई एस ऑफिस और आई पी एस का एग्जाम्पल दिया कि आपने प्लानिंग तो कर लिया लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट ना कर पाए तो वो भी एक प्रॉब्लम है तो अगर आप उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं अच्छी तरीके से तो वो आपको एट लास्ट बेस्ट रिजल्ट देता है इन शॉर्ट प्लानिंग इज़ डिटेल परफॉर्म प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि प्लानिंग क्या है फ्यूचर में होने वाला एक्शन का आप अभी से प्लान करते हो जैसे कि आप देखो आप अपने सराउंड में आपको ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा वेस्टर्न कल्चर से मेरा मतलब है कि वेस्टर्न क्लोथ्स अगर आप किसी को कहो कि सलवार सूट पहनो तो पहनेगा नो नो डाउट बट उसका इंटरेस्ट मोड ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा वेस्टर्न कपड़ों पे रहेगा करेक्ट है तो जो इंडस्ट्री है वो किसको ग्रैप करेगी वो ग्रैप करेगी फर्स्ट वेस्टर्न क्लोथ्स को क्योंकि उसे वहां पर ज्यादा प्रॉफिट होने वाली है एज कंपेयर टू इंडियन कल्चर में ठीक है नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं इसके हम पहले डेफिनेशन क्या बोलती है प्लानिंग इज अ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट देखो मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया था अगर याद हो तो प्लानिंग इन एडवांस व्हाट टू डू हाउ टू डू व्हेन इज टू डू हु इज़ टू डू एंड प्लानिंग बीज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो इन इट मेक पॉसिबल थिंग टू अकर विच वुड नॉट अदरवाइज इसका मतलब क्या हुआ कि प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जो आज हम कहाँ हैं और फ्यूचर में हम कहाँ होंगे उन दोनों के ब्रिज को ब्रिज गैप को कंप्लीट करती है जैसे कि कोई अगर बच्चा एक प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ एक यूट्यूब को स्टार्ट करता है तो विद इन अ थ्री मंथ्स अर्न करना स्टार्ट कर देता है लेकिन जैसे अभी फॉर एग्जांपल जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मैं एकदम डायरेक्शन थी आई डोंट हैव अ आइडिया कि कैसे होता है क्या होता है मुझे कुछ भी नहीं था बस मुझे ये था कि चलो ठीक है स्टूडेंट्स का बोलना था कि स्टार्ट करो तो मैंने स्टार्ट कर दिया था करेक्ट तो स्टार्ट करने की वजह से आज शायद मेरा चैनल इतना अच्छा ग्रो नहीं है क्योंकि मैंने एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसको स्टार्ट ही नहीं किया लेकिन अगर कोई प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्टार्ट करता है तो उसका रिजल्ट रिजल्ट जो होता है वो कमेंड commend, कमंडेबल होता है नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इस्टाब्लिशिंग गोल एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल्स तो प्लानिंग क्या है एक तरीके का प्रोसेस है जो गोल्स को इस्टेब्लिश करने के साथ साथ उसके लिए सुटेबल कौन सा अच्छा एक्शन होगा जिससे वो गोल अचीव हो पाए उसे जेम्स टोनर कहते हैं उस इसका नाम है प्लानिंग इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं ठीक है ये इम्पोर्टें मैं इस इस सब्जेक्ट uh, के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने वाली हूँ वीडियो आज या आज नहीं एक्चुअली कल या परसों में दो तीन दिन में आपको मिल जाएगी सो so, चलते हैं बात करते हैं इंपॉर्टेंस के बारे में कि प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग सो so, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है तो आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको क्लियर करने में हेल्प करता है जैसे कि वो ऑब्जेक्टिव को टारगेट करने के साथ साथ उसे फॉर्मुलेट उसके हिसाब से चीज़ें प्लान करता है उसके हिसाब से प्रेजेंट करता है चीज़ें ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक बेटर वे में फ्यूचर में जाके उसका एक अच्छा पोजिशन हो सके मार्केट में तो सबसे पहला काम सबसे पहला इम्पोर्टेंस क्या है कि एक अच्छे गोल एक अच्छा गोल या ऑब्जेक्टिव जो है वो आ, सेट करता है दूसरा है प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन तो एक लाइक आपको किस डायरेक्शन में जाना है क्या काम करना है कैसे करना है किस तरीके से करना है तो क्या करता है सेकंड प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन प्लानिंग इंश्योर दैट गोल्स और ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली स्टेटेड एंड दे एक्ट एज अ गाइड एंड दे प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर डूइंग द राइट थिंग और राइट टाइम द राइट वे अभी मैंने बताया आपको किस तरीके से करना है कब करना है कब इसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा इस टाइम पर यह क्या करता है हेल्पफुल होता है थर्ड आता है प्लानिंग इम्प्रूव परफॉर्मेंस प्लानिंग परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करता है जब हमें पता है कि हमें क्या करना है अभी आप देखो आप एक सी बी एस सी आई सी एस सी बोर्ड वाले बच्चों बच्चे से आप मिल लो उसका इंटलेक्चुअल लेवल इतना हाई होता है क्योंकि उसको पहले से ही पता होता है कि उसको क्या करना है वेर एस आप किसी वर्नक मीडियम से मीडियम, मीडियम के बच्चे को मिलो तो उसको भाई वो तो डायरेक्शन लेस रहता है ट्वेल्थ तक ग्रेजुएशन तक डायरेक्ट डायरेक्शन लेस रहता है उसको पता ही नहीं था उसे करना क्या है करेक्ट तो प्लानिंग अगर आपकी है पहले से तो आप परफॉर्मेंस हमेशा बेटर होता है इट हेल्प हेल्प मैनेजर टू इंप्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस फॉर एम्प्लॉय बाय स्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव एंड सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन इट इज अ बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग लीड्स टू एफिशियंट वर्क ऑफ द एम्प्लॉयज ड्यू टू प्रॉपर प्लानिंग प्रॉपर प्लानिंग होने की वजह से क्या होता है द एम्प्लॉय कैन वर्क अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू टाइमली एंड गाइडलाइन एंड दिस इंप्रूव इन अ परफॉर्मेंस ऑफ हाइयर एफिशेंसी और हाई हाई प्रॉफ हाइर प्रॉफिटबिलिटी नेक्स्ट आता है मिनिमाइज़ द रिस्क अगर आपके पास एक प्लान है अच्छी अच्छी तरीके अच्छा वाला तो बेसिक सी बात है कि आप क्या करते हो आपके रिस्क को मिनिमाइज़ देखो प्लानिंग हम आज के टाइम को देख के तो करेंगे नहीं हम फ्यूचर को सोचते हुए प्लान करते हैं कि फ्यूचर में हम इस तरीके से करेंगे करेक्ट तो इसी लिए ये वर्ड जो फॉरकास्टिंग है इसका मतलब होता है कि फ्यूचर को देखते हुए प्लान किया जाता है फोज या फ्यूचर बेस्ड टेक्निक होती है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग इन टू द फ्यूचर एंड एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर चेंजेस बाय डिसाइडिंग इन एडवास्ट टास्क ऑफ टू बी परफॉर्म द शो ऑफ वे डील विद चेंजेस सर्टन इवेंट्स चेंज और रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड टोटली बट दे कैन एंटिसिपेट एंड टैकल द प्रिवेंशिव मेज़ अब इसका मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल बताती हूँ कोविड के टाइम पर जो आई टी कंपनीज थी अब उनके एम्प्लॉयज़ को कंपनी में जाना तो डेली बेसिस पे नहीं पॉसिबल था बट बट उन्होंने क्या किया उनके पास प्लान भी रेडी था उन्होंने क्या किया वर्क फ्राम होम कर दिया तो वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से क्या हुआ उनका जो रिस्क था वो मिनिमाइज हो गया उनका बिजनेस तभी भी चल रहा था उनका बिज़नेस लॉस नहीं हो रहा था है ना हाँ कहीं ना कहीं कही प्रॉफिट भी हो गया क्योंकि कब एम्प्लॉय कंपनीज़ में आते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उससे उनको एक तरीके की प्रॉफिट ही हो गई ठीक है नेक्स्ट आता है प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स जब प्लानिंग हमारे पास एक अच्छी होती है तो हम अच्छे प्ला, देखो प्लानिंग हम किस बेसिस पे करेंगे कि हमारे पास अभी क्या रिसोर्स अवेलेबल है और उनका यूज़ हमें किस तरीके से बेस्ट वे में करना है है ना सो प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्लान आर प्रिपेयर फॉर टेकिंग इंटू कंसिडरेशन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स एंड प्रॉपर ऑलोकेशन ऑफ रिसोर्स फॉर वेरियस एक्टिविटी एंड ऑल्सो फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स विच ब्रिंग हाइयर एफिशियंसी एंड बेटर रिजल्ट वन कैन अवॉइड वेस्टेज जब हमारे हमारे पास प्लानिंग रहेगी तो हम वेस्टेज को क्या करते हैं अवॉइड करते हैं है. क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव होता है इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट सो फॉर अचीविंग एंड अचीविंग गोल प्लानिंग हेल्प टू मैनेजमेंट सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव अब यह तो है नहीं कि हमने एक ही प्लान बनाया और उसी पे काम करना स्टार्ट कर दिया ऐसा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता बिल्कुल भी नहीं है तो बेसिकली वो कर लो वो लोग करते क्या हैं प्लानिंग दे तो हैं बट उसके अल्टरनेटिव्स भी वो लोग क्या करते है? हैं रखते हैं क्यों रखते हैं ताकि अगर ये वर्क ना किया तो हम लोग वो अप्लाई कर सके ये भी वर्क ना किया तो वो अप्लाई कर सके तो इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं अलग अलग अल्टरनेटिव जो है वो मैनेजमेंट के सामने रखते हैं उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल होता है मैनेजमेंट उसे चूज करता है उसी पे काम करता है ठीक है देखो यहाँ पे आफ्टर सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव प्री डिफाइंड गोल्स नेक्स्ट आता है यूजफुल सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग प्लानिंग इज प्लानिंग इज सेट आउट स्टैंडर्ड ऑफ फॉर कंट्रोलिंग सो द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कम्पेयर विद द स्टैंडर्ड एंड मैनेजर कैन फाइंड आउट द डेविएशन इफ एनी बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सच डेविएशन कैन ब्रिज द ब्रिज बाय टॉकिंग कंट्रोलिंग स्टैप अब इसका मतलब क्या हुआ जैसे पहले जो क्वालिटी में गुड्स बनता था अब उसमें क्या चेंजेस आया है किस तरीके के स्टेप्स लेने चाहिए ये सारी चीज़ें किससे हेल्पफुल होती है प्लानिंग की वजह से होती है अब यहाँ बोला है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस उन दोनों के बीच में क्या फ़र्क आया क्यों फ़र्क आया अब ये किस कब किस वजह से सॉल्व होगा तो ये सॉल्व होगा एक कम्युनिकेशन से सॉल्व होगा सो दे प्ला प्लानिंग डि प्रोवाइड्स बेसिक्स बेसिस फॉर कंट्रोल नेक्स्ट आता है प्लानिंग क्या करता है फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन फॉर ऑल द एक्टिविटी जितनी भी एक्टिविटी होती है उनको फैसिलिटेट करता है सो प्लानिंग फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी इट रिड्यूस ओवरलैपिंग लैपिंग द एक्टिविटी ओवरलैप का मतलब क्या हुआ बस एक के बाद एक आए जा रहा है कुछ पता ही नहीं कुछ नहीं नहीं एक चीज़ होगा और उसका लिंक सारे चीज़ों से होगा और फिर वो काम स्मूथली होगा ऑल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर क्लोजली लिंक विद ईच अदर विच इज़ कंसिडर इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग साउंड प्लानिंग इंटर रिलेटेड ऑल द एक्टिविटीज एंड सोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरियस डिपार्टमेंट वर्क एज पर द ओवरऑल प्लान एंड कोऑर्डिनेशन इज़ अचीव नेक्स्ट क्या हम बात करते हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शन तो जो अदर मैनेजमेंट फंक्शंस होता है उनके लिए उनको भी फैसिलिटेट करता है जैसे कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन टूवर्ड्स अचीविंग गोल एंड गोल एट द प्लानिंग स्टेज अनलेस द प्लान इज रेडी अदर मैनेजमेंट फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग कैन नॉट बी टेकन इन प्लानिंग इज फैसिलिटी बिना एक अच्छी प्लानिंग के एक ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकता है यानी कि वो ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग परफॉर्म नहीं कर सकता तो इनिशियल बेस पे हमें प्लानिंग की ज़रूरत ही पड़ती है है ना बिना अभी सपोज आपने प्लान तो कर लिया मुझे आई बनना है है ना या आई बनना है लेकिन आपके पास कोई प्लान ही नहीं है तो आप क्या कर रहे हो आप कहीं मतलब आप फिर आगे की चीज़ें नहीं कर सकते ना जब तक तो आप प्लान नहीं करोगे तब तक आगे की चीज़ें किस तरीके से परफॉर्म करोगे तो प्लानिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर अदर फंक्शन नेक्स्ट आता है प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़ अब यहाँ पर क्या होता है प्रमोट इनो इनोवेटिव आइडियाज़ में इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़ आफ्टर क्रिटिकल थिंकिंग अल्टीमेट दीज इनोवेटिव प्लान रिजल्ट इन टू अटेनमेंट ऑफ द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट एंड इट गाइड फ्यूचर एक्शन रिलेड टू ग्रोथ एंड प्रोस्पैरिटी अब इसका मतलब क्या हुआ देखो क्या हुआ इनोवेटिव आइडियाज़ को क्यों करता है जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी में दो से चार लोग हैं और हर इंसान की थिंकिंग बहुत अच्छी है लेकिन उसमें से ऐसा कौन सा बंदा है या ऐसा कौन सा प्लान है ऐसा कौन सा गोल है जो काफ़ी फ़ाइन है और फाइनेस्ट है और काफ़ी बेस्ट रिजल्ट देने वाला है जो फ्यूचर में एकदम पीसफुल मैनेजमेंट को बना के रखेगा प्लस उसकी ग्रोथ भी होगी डेवलपमेंट होगा फिर प्रॉफिट भी कमाएगा तो यहाँ पर उन्हीं को मतलब इनो, इनो, इनो प्रमोट किया जाता है जिनके पास इनोवेटिव आइडिया हो उनको अभी देखो आप ये तो टेक्स्ट बुक की बात हुई आप रियल लाइफ में भी हो अगर रियल लाइफ में भी हो अगर आप के पास एक इनोवेटिव आइडिया है आप एक स्मार्ट पर्सन हो तो ए पीपल विल पिक यू ओनली है ना अगर आप एक डम हो आप क्लास में शांत बैठने वाले बच्चे हो तो नो बडी विल नोटिस यू ठीक है तो प्लानिंग भी इस तरीके से होता है इन शॉर्ट जो प्लानिंग है वो हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है जिससे और एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी प्ले करता है प्रिपेयर अ प्लान फॉर अ डे पिकनिक ऑफ़ योर क्लास और अ फील्ड ट्रिप आप कहीं घूमने जा रहे हो ना तो उसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है जैसे बच्चे हैं तो उनको घर में झूठ बोलना है उसके हिसाब से प्लानिंग करनी है बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो बिना प्लान के एक अच्छी ट्रिप नहीं हो पाती है अब आते हैं ऑर्गेनाइजिंग हमने प्लान तो कर लिया अब चीज़ों को हमें ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा जैसे कि चलिए मीनिंग से स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ब्रिंगिंग रिक्वायर्ड रिसोर्सेज सच एज मेन मनी मटीरियल मशीन मैथड्स ग्रुपिंग ऑर्गेनाइजिंग दम प्रॉपरली फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव हमें हमने प्लान तो कर लिया हमें चाहे क्या चाहिए पैसा चाहिए इंसान चाहिए जो काम कर सके एम्प्लॉ मशीन चाहिए मेथड चाहिए हमें किस मेथड से करना है उनको किस तरीके से पास मतलब एक साथ लेकर आना है और उनको अरेंज कैसे करना है ताकि ऑब्जेक्टिव पे काम किया जा सके दिस इज सिंपली नोन एज ऑर्गेनाइजिंग इन इन प्लानिंग द मैनेजमेंट डिसाइड वॉट टू डू इन फ्यूचर वेयर ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है डिसाइड द वे एंड मीन्स टू अचीव वॉट हैज़ बीन प्लान जो प्लानिंग हुआ है उसे किस तरीके से आगे बढ़ाना है ये काम कौन करता है ऑर्गेनाइजिंग करता है दिस फंक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान विच हैव बीन प्रिपेयर बाई द टॉप लेवल मैनेजमेंट तो ये कौन करता है जो प्लानिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट ने की है उन्हें एग्जीक्यूट करने का काम ऑर्गेनाइजिंग करता है सो सोनेक्राइजेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क फोर्स फिजिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज आर इस्टेब्लिश इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइज इसके डेफिनेशन की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से फर्स्ट डेफिनेशन काफ़ी इजी है ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर अटेनमेंट ऑफ़ कॉमन पर्पज़ इसका मतलब क्या हुआ ऑर्गेनाइजेशन इज़ द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन। हर इंसान क्या करता है अपने अब जैसे एक मैं इसका इसको बेस्ट एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ एक लेडी है एक लेडी है जो घर में काम करती है जैसे आप अपनी मम्मी को ले लो तो शाम को क्या बना क्या बनाना है कैसे बनाना है बच्चों को क्या सर्व करना है पहले वो तो वो प्लान करती है है ना प्लान करने के बाद शाम को उसे एग्जीक्यूट करती है एग्जीक्यूट करने के लिए उसे सब्जी चाहिए आटा चाहिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है उसे वो उसे क्या करती है अरेंज करती है तो उसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग चलिए इसके इम्पोर्टेंस को देखते हैं फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। तो ये क्या करता है एडमिनिस्ट्रेशन को फैसिलिटेज करता है एज वेल एज ऑपरेशन को भी फैसिलिटेट करता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लीड्स टू आइडेंटिफाई एंड द ग्रू ग्रुप एक्टिविटी और ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटीज़ इज़ द टास्क ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन वेयर प्रोसेस अकॉर्डिंग टू इज ऑपरेशनल एक्टिविटी सो ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करता है एज वेल एज जो काम ऑपरेट करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस पर भी काम करता है ड्यू टू प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ टास्क एंड एम्प्लॉय देर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन रिडक्शन इन वेस्टेज एक अच्छा अगर ग्रुप होगा फॉर ऑफ वर्क तो अच्छा प्रोडक्शन भी होता है प्लस जो वेस्टेज होते हैं वो रिड्यूज हो जाते हैं एंड प्लस डुप्लीकेशन जो वर्क होता है वो भी क्या होता है कम होता है जितना उसके उतना कम होता है दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है स्पेशलाइजेशन को लाता है स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हुआ हर चीज़ को डिपार्टमेंट्स में कन्वर्ट किया जाएगा जो बंदा सेल्स में काफ़ी स्पेशलिस्ट है उसे सेल्स का डिपार्टमेंट दिया जाएगा जो अकाउंटेंट में स्पेशलिस्ट है उसे अकाउंटेंट का डिपार्टमेंट दिया जाएगा जो बैक ऑफिस में उसे बैक ऑफिस का जो मैनेजर है वो मैनेजर का जो रिलेशनशिप में मतलब उसे उसका काम अच्छी तरीके से पता होना चाहिए तो ऑर्गेनाइजिंग सेकेंड इम्पोर्टेंस क्या है ब्रिंग स्पेशलाइजेशन नेक्स्ट इज डिफाइन द जॉब प्रॉपरली डिफाइन द जॉब प्रॉपर्ली का मतलब क्या होता है राइट मैन ऑन राइट जॉब व्हिच कैन बी डन बाई सिलेक्टिंग पीपल फॉर अ वेयर इज डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन स्किल एंड एक्सपीरियंस अगर एक बंदा अकाउंट्स अकाउंट वाला है उसे आपने सेल्स में डाल डाल दिया है तो वो क्या ही करेगा तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है डिफाइन द जॉब प्रॉपरली आपका काम क्या है आपको क्या करना है किस तरीके से करना है कहाँ करना है ये किस पर डिपेंड होता है आपके क्वालिफिकेशन पे आपके वर्क एक्सपीरियंस पे आपके एजुकेशन पे ओके फोर्थ इम्पॉर्टेंस है क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अब अथॉरिटी जैसे अभी फॉर एग्जांपल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आएगी जो मैनेजर होगा एंड दिस कैन बी डन बाय डेलीगेटिंग द अथॉरिटी ऑफ एवरी मैनेजर एंड क्लेरिफाइंग द रोल ही हैज़ टू एक्साइज दोज पावर अब उसको अपने पावर का यूज़ कैसे करना है किस प्रकार करना है कहाँ पर करना है किस इंसान पर करना है अगर वो अपने पावर का मिस यूज़ करता है तो वेल डिफाइंड जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प्स इन ब्रिंगिंग इन टू मैनेजर वर्किंग दिस हेल्प इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी अगर वो अपने पावर का मिस करेगा तो वो चीज़ें वर्क अच्छे से नहीं करेगी लेकिन एक मैनेजर को ये पता होता है उसके पास क्या अथॉरिटी है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसे एम्प्लॉइज से किस तरीके से काम करवा कर लेना है फिफ्थ इम्पॉर्टेंट है इम्पॉर्टेंस है इस्टाब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अब कोऑर्डिनेशन किसके बीच में टॉप पोजिशन से लेकर जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उन दोनों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बिठा के रखना इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस फंक्शन हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट इट क्रिएट्स क्लियर पुट रिलेशनशिप अमॉन्ग पोजिशन एंड इंश्योरमेंट म्यूचुअल कोऑपरेशन अमोंग द इंडिविजुअल हर एक बंदा हर सारे डिपार्टमेंट को अच्छी तरीके से कोऑपरेट करेगा चाहे वो किसी भी लेवल का हो सिक्स वन हेल्थ फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन तो एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव क्यों होता है बिकॉज दे टेक केयर राइट प्लेसिंग द राइट पर्सन इन राइट जॉब विद द राइट अथॉरिटी एंड राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी जिससे क्या होगा डिवीजन ऑफ वर्क होगा एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो उसे अपना काम अच्छी तरीके से पता होगा क्यों क्योंकि वो डिफरेंट पोजिशन डिपार्टमेंट्स और एक्टिविटी रोल में क्या होता है डिवाइडेड होता है नेक्स्ट आता है हेल्थ फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन सो द ग्रोथ ऑफ़ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इट्स स्मूथ एंड इफेक्ट एफिशियंट फंक्शनिंग क्लियरली डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कोऑर्डिनेशन अमॉंग द ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर्सनल यूज ऑफ अप्रोप्रिएट एंड कंट्रोल टेक्निक्स ब्रिंग एफिशेंट एट वर्क प्लेस एंड ऑर्गेनाइजेशन वेल अब इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ की ग्रोथ तभी होगी जब वो तो स्मूथ और इफ़ेक्टिव में फंक्शन करेगा दूसरा हर एक बंदे को उसके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है और हर एक बंदा एक दूसरे से कॉपरेट करके चल रहा है प्लस उससे पर्सनल ग्रोथ हो रही है और वो एक अप्रोप्रिएट कंट्रोल टेक्निक के साथ काम को कर रहा है एक सही तरीके का काम कर रहा है तो एक ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन भी होता है नेक्स्ट आता है क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लैरिफाइड द जॉब पोजिशन इट क्लियरली स्टेट्स द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी वन एवरी वन कैन वर्क अकॉर्डिंगली क्लैरिटी इन जॉब पावर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मेंटल सेटिस्फैक्शन आपको पता है कि मैं प्रिंसिपल हूँ और मेरे ऊपर सारे स्कूल को चलाने की जिम्मेदारी है तो आपका माइंड उसी तरीके से काम करेगा और आप उसी तरीके से काम करवा कर ले लोगे पर अगर आप एक नॉर्मल टीचर हो और आपको ये बोल दिया कि आपको पूरा स्कूल अपने हिसाब से चलाना है तो आपका मेंटल प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी है आपको पढ़ाना भी है आपको आ, आ, लेसन प्लान भी बनाना आपको बच्चों को भी संभालना है प्लस आपको स्कूल को भी संभालना है तो वो एक एक कन्फ्यूजन हो जाता है एम्प्लॉयज़ के माइंड में तो उस एम्प्लॉयज़ को उसके ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए नेक्स्ट स्कोप फॉर इनोवेशन देखो ऑर्गेनाइजेशन में स्कोप इसलिए है क्योंकि कभी भी नया चीज़ आएगा ना तो यहाँ पर ऐसा होता है कि वो नए इनोवेशन को ईज़िली नए मेथड को अडॉप्ट करता है इन अ पॉसिबल वे मतलब अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है या इस शॉर्ट तरीके से कोई अच्छा काम हो रहा है उसमें प्रॉफिट हो रही है तो मैनेजमेंट क्या करता है उसे अडॉप्ट करता है और नए चेंज को करता है नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन ऑप्टिवम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स दिस फंक्शन प्रोवाइड डिफरेंट जॉब टू डिफरेंट एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू द जॉब स्पेसिफिकेशन एंड ड्यू टू स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क बिकम पॉसिबल अगर एक बंद बन, हर बंदे को उसके सही जगह पे जगह जॉब पे रखा हुआ है तो कोई भी तरीके की प्रॉब्लम होती नहीं है सो ऑर्गेनाइज टीचर्स डे इन योर कॉलेज तो आप किस तरीके से अपने स्कूल में टीचर्स डे एनुअल डे सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में टीचर्स को हेल्प करते हो तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजिंग को आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट आता है स्टाफिंग स्टाफिंग क्या है स्टूडेंट्स जहाँ पर हम क्या करते हैं अट्रैक्टिंग रिक्रूटिंग सिलेक्टिंग प्लेसिंग अप्रेजिंग रेमोनरेटिंग डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्क जहाँ पर हम एम्प्लॉज अच्छे एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं सिलेक्शन भी करते हैं प्लेस करते हैं अप्रेजिंग करते हैं उन्हें पैसा देते हैं उनका डेवलप, उनका ग्रोथ करते हैं ठीक है एंड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एवरी सक्सेस ऑफ एवरी वेंचर ऑफ बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन अगर एक अच्छी स्टाफिंग फंक्शन है एक ऑर्गेनाइजेशन में अभी देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी हैं जहाँ पर लोगों को काम नहीं आता है बट जस्ट बिकॉज उनका कोई रिलेटिव है वहाँ पे या जानने वाला पहचानने वाला है या उनकी पहचान है मैनेजमेंट में तो उन्हें जॉब पे रख लिया जाता है तो एक हिसाब से वो दूसरे के लिए अनजस्टिस हो जाता है बट स्टिल अगर एक बंदा अच्छी जगह पर है तो वो उसे उसकी अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो काम अच्छी तरीके से करता है अब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट कब होता है इनिशियल पीरियड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू प्रमोशन ट्रांसफ़र बिजनेस एक्सपांशन रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन एक्सीडेंट डेट ऑफ एम्प्लॉज जब ये सारी सिचुएशन होती है तब नया रिक्रूटमेंट होता है और रिक्रूट तो स्टाफिंग का मेन चीज क्या है राइट पर्सन एट अ राइट जॉब विद अ राइट पे इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की तो यहाँ पे तीन डेफिनेशन है पर हम किसी एक को पढ़ेंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं रिविजन कर रहे हैं तो सबसे हेमन के डेफिनेशन पढ़ते हैं द स्टाफिंग फंक्शन परटेन्स टू द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन डेवलपमेंट ट्रेनिंग कंपनसेशन सबॉर्डिनेट मैनेजर्स अब मैनेजर क्या करेगा स्टाफिंग फंक्शन करेगा उसके लिए वो क्या करेगा रिक्रूटमेंट करेगा सिलेक्शन करेगा डेवलपमेंट करेगा उन्हें ट्रेनिंग दे फिर उन्हें ट्रेनिंग देगा फिर उनकी सैलरी डिसाइड करेगा इसी तरीके से स्टाफिंग को किया जाता है नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग सबसे पहला इम्पॉर्टेंस का है इसका इफेक्टिव मैनेजरल फंक्शन तो फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव वे में मैनेज करता है स्टाफिंग इज द की इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट सच एज प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग कंपिट कम्पिटेंट वर्क फोर्स कैन वर्क इफेक्टिवली इन डिफरेंट फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन सेल्स फाइनेंस आई होप आपको ही समझ में आएगा दूसरा है लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज तो यहाँ पर जितने भी अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेस है उनका प्रॉपर यूज कौन करता है स्टाफिंग करता है जैसे कि प्रॉपर केयर इज टेकिन एट एवरी स्टेज सच एज रिक्रूटमेंट सेलेक्शन प्लेसमेंट रेमोरेशन ट्रेनिंग डेवलपमेंट जब आप किसी एम्प्लॉ को हायर करते हो तो उनका पहली बात तो वर्कलोड डिसाइड करते हो उन पे वर्कलोड उन उनके मतलब उनको बर्डन नहीं आना चाहिए फिर उनको एक अच्छी जगह पे जहाँ जहाँ उनके एजुकेशन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप उनके वर्क प्लेस डिसाइड करते हो फिर उनको वहाँ पे प्लेस करते हो उनकी सैलरी डिसाइड करते हो है ना उन्हें अगर काम नहीं आता है अगर वो फ्रेशर हैं तो उन्हें उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो तो ये सारी चीज़ें होती है इसलिए स्टाफिंग इज़ इम्पॉर्टेंट ठीक है नेक्स्ट इज बिल्ड कॉर्डियल रिलेशनशिप देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हेल्दी रिलेशनशिप होता है ऑफ़ ऑल द लेवल ऑफ एम्प्लॉय तो वो बहुत स्मूद वे में चलता है अगर वो नहीं है तो नहीं देखो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जहाँ पर इतना स्ट्रेसफुल इन्मोमेंट है कि मैनेजर चढ़ा चढ़ा रहता है भाई एम्प्लॉयज़ पर काम करके दो काम करके दो पर कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर बहुत स्मूद वे में काम होता है और एम्प्लॉ बड़े खुश होते हैं उस उनके काम से है ना सो इसीलिए नेक्स्ट आता हैल्प्स ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट स्किल्ड स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉई इज़ एंड एसेट

Uh, बहुत ही अच्छी तरीके से uh, ट्रेंड कर देना ताकि वो कंपनी में बिजनेस में अच्छी तरीके से काम कर पाए प्लस वो उस काम को अप्रिशिएट किया जा सके नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज़ ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज सो ट्रेंड एम्प्लॉय जो होगा ना वो क्या करेगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक तो यूज़ कर पाएगा दूसरा चाहे वो कैप दूसरा कैपिटल तीसरा मटेरियल मेथड ऑफ वर्क एंड इट हेल्प इन बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्क एंड प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वान्टी नेक्स्ट आता है इम्प्रूव एफिशेंसी अब एफिशियंसी कैसे बढ़ेगी बिकॉज जब आप आप अपने इम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग के साथ साथ डेवलपमेंट प्रोग्राम भी ऑफर करोगे तो इम्प्लॉय का क्या होगा सेल्फ डेवलपमेंट होगा और सेल्फ डेवलपमेंट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होगा और ये किससे पॉसिबल है एक प्रॉपर सिलेक्शन से पॉसिबल है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी क्वालिटेटिव या क्वालिटी एम्प्लॉय मिलते हैं जिसे आप प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ उनका परफॉर्मेंस लेवल बूस्ट कर सकते हो नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स सो जब आप एक एम्प्लॉय पे इन्वेस्ट करते हो तो उसका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म वो आपके कंपनी uh, के लिए एसेट बन जाता है क्वालिफाइड एफिशिएंट स्किलफुल वर्कफोर्स इज ऑलवेज एन एसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉई लीड्स टू लीड्स द ऑर्गेनाइजेशन टूअर्ड्स द पैथ ऑफ सक्सेस नेक्स्ट आता है इसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन इसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ द पर्सपेक्टिव इम्प्लॉयज सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द फ्यूचर चैलेंजेस अगर आपने ऐसा एक ऐसा बंदा हार हायर कर लिया है जो हर सिचुएशन में गिवअप कर देता है तो ऐसे इंसान को कंपनी में रख के क्या ही फ़ायदा है पर एक ऐसा इंसान है जो फ्यूचर में किसी भी सिचुएशन के लिए स्टैंड बाय करता है प्लस उसके अंदर एबिलिटी है जो कंपनी की ग्रोथ कर सके तो वो एक बिजनेस को अच्छे प्रोसेस में लेकर जा सकता है नाइन्थ इज प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन अब जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना भी स्टाफिंग का ही पार्ट है एम्प्लॉय कैन बी मोटिवेटेड थ्रू फाइनेंशियली एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड जैसे अभी फाइनेंशियली की बात करें तो आप उन्हें उनकी सैलरी बढ़ा सकते हो प्लस इंसेंटिवस प्रोवाइड कर सकते हो और यहाँ पे आप उनके काम को अगर अप्रिशिएट करते हो तभी भी उनको जॉब सेटिस्फैक्शन होता है एडिक्वेट रेमेशन इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मॉरऑल ऑफ द एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम फेयर रेमोलेशन जॉब सिक्योरिटी आर द फैक्टर विच आर इम्पॉर्टेंट इज इन प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन इसके थ्रू भी आप उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करा सकते हो नेक्स्ट इज मेंटेन हमनी अब हम कैसे मेंटेन होगी जब आप एक इंडिविजुअल को रिक्रूट करते हो सिलेक्ट करते हो प्लेस करते हो एज वेल एज़ उनके परफॉर्मेंस को रेगुलरली अप्रेज करते हो और उनके परफो प्रमो उनकी प्रमोशन करते हो उनके मेरिट्स के अकॉर्डिंग तब वो एम्प्लॉय अपने आप ही क्या होता है मोटिवेट होता है और बहुत प्लीसफुली और हार्मनी के साथ कंपनी में काम करता है और आप एट लास्ट आपकी कंपनी को क्या मिलेगा आपकी कंपनी को मिलेगा प्रॉफिट तो ये था हमारा स्टाफिंग अब आगे देखते हैं डायरेक्टिंग के बारे में फिर हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन के बारे में फिर हम जानेंगे फिर हम जानेंगे, फिर हम जानेंगे आ, कंट्रोलिंग के बारे में तो इतना ही आज के लिए वीडियो है मैंने इन शॉर्ट सोचो एक वन शॉट में सोचा था बट वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करके हम कंप्लीट करेंगे ठीक है तो डायरेक्टिंग तीन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के चैनल पर बने रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा थैंक यू सो मच एवरी एंड डू नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बाय बाय टेक केयर ऑल ऑफ़ यू